आज से मैं आपके लिए एक नया शो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपके लिए मंथली प्रेडिक्शन करूंगा टैरो कार्ड्स की मदद से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं मेष राशि को। कार्ड्स को अच्छी तरह से शफल कर लेते हैं क्योंकि बिना शफल किए हुए प्ले करना ठीक नहीं माना जाता है, इसलिए कार्ड्स को हम अच्छी तरह से शफल कर लिया है। अब हम इसे स्प्रेड करते हैं और हम मेष राशि के लिए ये फोर्टनाइट, सितंबर का सेकंड फोर्टनाइट कैसा रहेगा इसकी प्रेडिक्शन करेंगे। तो देखते हैं। तो दोस्तों हमने कार्ड्स निकाल लिए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं मेष राशि का इस सितंबर मंथ का सेकंड फोर्टनाइट कैसा रहेगा ये जानने की कोशिश करते हैं। तो मेष राशि वालों तैयार हो जाइए कमर कस के। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो फर्स्ट हाफ बीत रहा है ये फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा नहीं रहा है आपके लिए। आपकी एक्सपेक्टेशंस जो थी वो फुलफिल नहीं हो पाई हैं और हालांकि आपके लिए मून का कार्ड आया है जो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। द मून बहुत बढ़िया नहीं माना जाता लेकिन उतना बुरा भी नहीं माना जाता है क्योंकि द मून हमें कई चीज़ें सिखाता है, कई चीज़ें हमें बताता चलता है और हमारी लाइफ को गाइड भी बहुत करता है। द मून का कार्ड जो आपके पास्ट को यानी कि ये फर्स्ट फोर्टनाइट को रिफ्लेक्ट करते हुए आया हुआ है ये हमें ये बता रहा है कि जो फर्स्ट फोर्टनाइट था इसमें आपने जो भी उम्मीदें बनाई थी, जो भी प्लान्स बनाए थे वो सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुए। उन प्लान्स के एग्जीक्यूट होने में आपने अच्छी भूमिका नहीं निभाई। ये आप थे जिन्होंने उस प्लान पर अच्छे से अमल नहीं किया, अच्छे से काम नहीं किया। आपको पता था कि प्लान में कोई भी फ्लॉ नहीं है, कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपने उस प्लान पर अच्छी तरह से काम नहीं किया। अभी भी आपके पास प्लान्स हैं, आपको पता है कि क्या करना है, क्या करना चाहिए, लेकिन बजाय करने के आप डरे हुए हैं, आप डर जाते हैं कि कहीं चीज़ें खराब ना हो जाए। ऑलरेडी चीज़ें खराब हैं। अगर आप सोचते हैं कि चीज़ें खराब हो जाएंगी तो चीज़ें खराब हैं। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आपका अपना व्यवहार चीज़ों को रुन भी कर देता है। हर समय हर चीज़ के साथ में तनने वाली पोजीशन ठीक नहीं होती। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा फुलफिल रहने की कोशिश करें। अगर नहीं रह पा रहे हैं तो कम से कम दिखावा करें, थोड़ा सा एनलाइटमेंट अपने अंदर लाएं। लोग आपके अंदर से कुछ नेगेटिव वाइब्स को फील करेंगे, फील कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में अगर आप मेरी सलाह को मानते हैं और अपने अंदर थोड़ी सी एनलाइटमेंट को लाते हैं तो लोग आपके अंदर एक नया चेंज फील करेंगे और ये नया चेंज आपके नए लुक, आपकी नई पर्सनैलिटी के लिए बहुत सुटेबल होगा। आपके काम बनेंगे, लोग आपकी हेल्प करेंगे। अच्छा, फोर्टनाइट जो सेकंड चलेगा उस फोर्टनाइट के लिए आपके लिए ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। आप देख सकते हैं पेज ऑफ कप्स। तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि फिर से एक बार वही चीज़ें जो पहले बताया, प्लान्स आपने बना लिए हैं, प्लान आपके पास हैं, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करने में आप कतराते हैं, आप डर जाते हैं, आप सोचते हैं कि ये प्लान उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आपको लगता है कि चीज़ें आपके हाथ से बाहर जा रही हैं। आप कई बार ये भी सोचते हैं कि दूसरे अगर आपकी मदद कर देते या कोई आपको रास्ता दिखा देता तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आसान होती, जैसा कि पहले भी होता रहा है। जब आपने लोगों की मदद से, लोगों के बताए रास्ते पर चल करके किसी काम को अंजाम दिया है तो वो काम सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन वो पूरी पूरी सक्सेस उनकी रही, आपकी नहीं रही। आपको भी कहीं ना कहीं से लगता था कि अगर वे आपको ये रास्ता नहीं दिखाते तो आप इस रास्ते पे नहीं बढ़ पाते। इसलिए मैं एक बार फिर से आपको कहूँगा कि आप जो भी प्लान्स बनाते हैं उन प्लान्स पर अमल करने की कोशिश करिए। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, आपके प्लान अच्छे होते हैं क्योंकि कोई दूसरा पर्सन जब आपको एडवाइस कर देता है, जब आपको बता देता है कि हाँ यार ये ठीक है तो ऐसा कर ले और यू डू इट, ओके, और आप वो करते हो और आपको सफलता मिल जाती है तो आपको भी गिल्टी फील होती है कि यार उसने कहा था मैंने किया वरना तो मैं कर ही नहीं पाता, मेरे बस का नहीं था यार, थैंक्स यार तुमने मेरी हेल्प करी, तुमने मेरा हौसला बढ़ाया। अरे कुछ नहीं किया उसने यार, उसने सिर्फ आपको पुश किया और आपने काम कर दिया। काम आप ही का था, प्लान आपका था, तरीका आपका था, करना आपको था और क्रेडिट को ही और लेके चला गया। तो जब आप दूसरों को अपने काम की क्रेडिट दे देते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने आपको पुश कर दिया है तो आपको नहीं लगता कि आपको कोई कमी है? बिल्कुल। ये सितंबर इस बार जो आ रहा है
ये आपके लिए एक नया मैसेज ला रहा है। ये बताता है कि आपके पास जो भी प्लान रेडी है, जो भी आप करना चाहते हैं, उस पर बैठ करके दो बार विचार करिए। आप मेष राशि के हैं, आप एरीज हैं, एरीज बहुत उतावले होते हैं, बहुत जल्दी में होते हैं। उन्हें कुछ एस्ट्रोलॉजर मानते हैं कि एरीज पंगे जल्दी लेते हैं, भिड़ जल्दी जाते हैं, गुस्सा जल्दी हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर होते हैं। ठीक है, शॉर्ट टेम्पर हैं आप, सब कुछ ठीक है, आपकी ये आपका स्वभाव है, आप इसे नहीं बदल सकते, लेकिन आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप इस पर काबू पा सकते हैं, आप वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। और आपको क्या करना है, सिर्फ आपको एनलाइटमेंट दिखानी है, अंदर से खुशी दिखानी है कि आप ऑलरेडी खुश हैं। लोग सोचते हैं आप खुश हैं, आप सोचते हैं आप खुश हैं, लेकिन आप खुश नहीं हैं, क्योंकि आप खुश दिखते नहीं हैं, आप बंधे हुए से दिखते हैं। ये जो बंधापन है आपका, आपको कई बार फील होता होगा इस चीज के बारे में कि लोग आपके सामने कुछ और हैं और आपकी पीठ पीछे कुछ और, तो वो होंगे क्योंकि उन्हें भी आप ऐसे ही दिख रहे हो। टू ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए आया है प्रेजेंट। प्रेजेंट को ठीक करिए और फ्यूचर आपका है। अगर आप प्रेजेंट को ठीक कर देते हैं तो फ्यूचर आपका है। अब प्रेजेंट में करना क्या है, प्रेजेंट में करना यह है कि आपको थोड़ा सा फुलफिलमेंट दिखाना है, थोड़ा सा एनलाइट होना है, आपको उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचना है जिनसे आपको खुशी मिलती है, आपको उन चीजों के बारे में सोचना है जो चीजें आपके लिए मायने रखती हैं, उन चीजों को छोड़ दीजिए जो आपके लिए मायने नहीं रखते, उन चीजों से आपको कोई सरोकार नहीं रखना जिन चीजों ने आपको दुख पहुंचाया। जो लोग आपको खुश रखते हैं उनके साथ रहिए, जो लोग आपको दुखी करते हैं उनको छोड़ दीजिए, हट जाइए उनसे, उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, उनसे बिल्कुल भी अगर आप संबंध नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, मर्जी आपकी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि गलती आपकी थी तो शुरुआत आपकी ओर से होनी चाहिए, और शुरुआत कैसे होगी, एनलाइटमेंट से। एनलाइटमेंट की बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके अंदर ये नहीं दिखता, आप भीतर से खुश नहीं दिखते। आप दिखाते हैं लोगों को कि आप खुश हैं, लेकिन आपको पता है आप अंदर से कहीं जल रहे हो, पड़ रहे हो। तो आपको ये करना है कि आप थोड़ा सा अपने अंदर एक एनलाइटमेंट लाए, अपने अंदर एक खुशी लाए, उस खुशी को आपके चेहरे से रिफ्लेक्ट होने दें। आप ये करते हैं तो आपका जो ये अगले 15 दिन है ये बहुत अच्छे जाएंगे। सितंबर का मंथ आपका होगा, जो भी आप चाहेंगे वो आप कर पाएंगे। सावधानियां क्या बरतनी चाहिए वो मैं आपको बता दूं। आपको ठीक से पता है आपकी कमियां क्या है, आपके फ्लॉज क्या है, किन किन जगहों पर आप लैक हैं, किन किन चीजों में आप कमजोर हैं, उन उन चीजों को आजमाना बंद कर दीजिए, बिल्कुल भी नहीं करिएगा। जिन चीजों में पता है कि आप सॉलिड हैं सिर्फ उन पर काम करिए, जिन चीजों में पता है आप कमजोर हैं उन पर काम मत करिए इस सितंबर में। ये सितंबर बीतने दीजिए, उसके बाद में मैं फिर देखूंगा आपके लिए क्या आता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। ओके, थैंक यू, बाय।